राधे कृष्णा। एक दिन माता यशोदा बाल गोपाल भगवान को दूध पिला रही थी और साथ ही साथ दही बिलो रही थी। तभी उनको याद आया कि चूल्हे पर दूध रखा हुआ है जो अब तक उबल गया होगा। माता ने भगवान जी को गोद से उतारा और दूध को आग से उतारने के लिए चली गई। फिर भगवान जी मन ही मन बोलने लगे कि अभी मेरा पेट भी नहीं भरा है और माता मुझे गोद से उतार कर चली गई। फिर भगवान के सामने दही रखे हुए मिट्टी के बर्तन को धीरे से पत्थर मार कर तोड़ देते हैं, जिससे सारे कमरे में दही बिखर जाती है। लेकिन इससे भी उनका गुस्सा शांत नहीं होता। फिर उन्होंने ऊपर टंगे हुए माखन और दही के मटकों को तोड़ने के लिए उखल के ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर थोड़ी देर में बंदर आ गए और भगवान और सारे बंदर मजे से माखन खाने लगे। फिर जैसे ही माता देखती है कि उनने मेरी मटकियाँ तोड़ दी, तो उन्हें बहुत क्रोध आता है और वह भगवान के पीछे छड़ी लेकर भागती है। जब माता उन्हें पकड़ लेती है, तब वो कान्हा को बोलती है कि अब मैं तुझे दंड दूंगी। फिर जब वह उन्हें ओखल से बांध रही थी, तब हमेशा रस्सी दो उंगल छोटी पड़ जा रही थी। फिर जब माता थक जाती है, तो वो कृष्णा बोलते हैं कि मैया लाओ मैं ही बांध देता हूँ। फिर माता उन्हें ओखल से बांध कर काम करने के लिए चली जाती है। भगवान उन दो अर्जुन वृक्षों के पास जाते हैं जो नारद मुनि के श्राप की वजह से वृक्ष बनते हैं। फिर वे ओखल की मदद से उन वृक्षों को गिरा देते हैं और उसमें से दो सुंदर देवता निकलते हैं, जो वास्तव में कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव होते हैं। ऐसे भगवान इन दोनों को श्राप मुक्त करते हैं और उनका उद्धार करते हैं। हरे कृष्णा।